नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा सातवीं का प्रौद्योगिकी विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान विषय में सजीवों में पोषण विषय लेकर आई हूँ और मैं हूँ मंजूषा तिवारी, व्याख्याता LB, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुंदरगिरा, अभनपुर ब्लॉक, जिला रायपुर। बच्चों, आपने देखा होगा अपने किसान भाइयों को कि जब वो बीज बोते हैं तो वो इस मृदा का परीक्षण करते हैं कि उनकी मिट्टी कैसी है, उस बीज के अनुकूल है कि नहीं, और कौन से बीज को किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो देखिए हमारे किसान भाई कैसे परीक्षण कर रहे हैं और इसमें मिट्टी की अम्लीयता, क्षारकता और अन्य मिट्टी के गुणों को पहचाना जाता है। फिर हमारे किसान भाई ये मिट्टी का परीक्षण करने के बाद बीजों को बो देते हैं। अब ये देखिए बीज आपके अंकुरित भी हो गए हैं। कुछ दिनों बाद जब ये बीज अंकुरित होते हैं तो ये पौष्टिकता के साथ आते हैं। बच्चों, आपको पता होगा कि जैसे हमको न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, हमको भी कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से हमारे ये मृदा में जो पौधे लगे हैं ना, इनको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो पोषक तत्व हो सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर इत्यादि। तो बच्चों, ये जब पोषक तत्व मृदा में होंगे, मिट्टी में होंगे, तो वो वाला पौधा भली भांति फलता फूलता है। अब बच्चों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इन पौधों के लिए बहुत जरूरी है, और जब ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया ये हमारे हरे पौधे करते हैं तभी वो पौधा कहलाता है स्वपोषी। क्योंकि आप और मैं तो स्वपोषी नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि हम तो क्या बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? जब ये सूर्य का प्रकाश ये क्लोरोफिल वाली पत्ती में, जो हरे रंग की पत्ती दिख रही है ना बच्चों, अच्छा पत्ती के अलावा जो छोटे पौधे होते हैं जिनका तना हरा होता है, वो भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये जो पत्ती में पर्णहरिम पाया जाता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम, और जमीन में से ये देखिए पानी जा रहा है, तो ये पानी और ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों मिलके प्रकाश संश्लेषण करते हैं और तब भोजन निर्मित होता है। अब बच्चों, प्रकाश संश्लेषण के लिए चार आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, पानी जो मिट्टी से जड़ों के द्वारा खींचा जाता है ना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और हम देखते हैं पत्ती में जो पाया जाने वाला है क्लोरोफिल। तो जब ये चारों पदार्थ, कच्चे पदार्थ पौधे को मिलते हैं तभी पौधा भोजन बना पाता है। अब बच्चों, हम देखते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अभिक्रिया में आखिर क्या होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। आप एक बीकर ले लीजिए, बीकर में एक्वेटिक जली पौधा ले लीजिए, और बीकर में जो जहाँ से आप ये जली पौधा लाए हैं वहीं का कुछ पानी भर लीजिए, और आप एक फनल को, चित्रानुसार एक फनल को लगा दीजिए। अब उसके बाद उसके ऊपर एक उल्टी टेस्ट ट्यूब में पानी भर के उसको लगा दीजिए। अब बच्चों, इस प्रयोग को आप कुछ देर के लिए धूप में रख दीजिए। जब आप एक दो घंटे बाद देखते हैं बच्चों, तो इसमें से क्या होता है, जो परखनली का जल है वो नीचे की तरफ आने लगता है, और जो जली पौधे हैं इनसे बुलबुले निकलने लगते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें गैस बन रही है, कोई गैस बन रही है, और वो जो गैस ऊपर जा रही है तो परखनली खाली हो रही है और जल का स्तर बढ़ रहा है, और वो वहाँ पर गैस इकट्ठी हो जाती। फिर बच्चों, आप कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन गैस है? तो जलती हुई माचिस की तीली जब लाएंगे तो वो क्या होगी, तेजी से जल जाएगी। ऑक्सीजन गैस का बच्चों क्या गुण होता है? ऑक्सीजन गैस स्वयं नहीं जलती, लेकिन जलने में सहायक होती है। तो जब माचिस की तीली को हम लाते हैं और वो तेजी से जलती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये परखनली में इकट्ठी की गई गैस
ऑक्सीजन है। तो बच्चों जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है और शर्करा कार्बोहाइड्रेट बनता है तो साथ में यही ऑक्सीजन गैस भी निकलती है जो पौधे देते हैं और हम लोग सभी सजीव उसे ग्रहण करते हैं, जो जिसका हम आगे श्वसन वाले पार्ट में सीखेंगे। अब बच्चों हम देखते हैं कि पर्णहरिम का भी परीक्षण किया जाता है। अभी हमने कह दिया कि पौधे के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया तभी होगी जब पर्णहरिम होगा, तो इसका भी एक प्रयोग है। ये क्या क्या प्रयोग, देखिए हरे रंग की पत्तियां दिख रही हैं, रंगीन पत्तियां ले लीजिए और इन पत्तियों का थोड़ा सा रस निकाल लीजिए। ये जो परख नली में रस इकट्ठा किया हुआ है और ड्रापर से, और ये देख रहे हैं ना आप आयोडीन का बिलियन, इसकी सीसी रखी हुई है, थोड़ा सा पानी है। अब बच्चों आपने ये रंगीन पत्ती से थोड़ा सा रस को निकाल लिया, ये परख नली में जब आपने इस रस को निकाला तो थोड़ा सा ड्रॉपर से आप उस में थोड़ा सा आप आयोडीन डाल दीजिए, तो आप देखेंगे परीक्षण इसका कैसे आता है। ये देखिए जहाँ ग्रीन था वहाँ पर क्या हो गया, उसका रंग जहाँ परिवर्तित हो गया, मतलब कि काला पड़ गया, नीला काला हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। और बच्चों जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था, हमने एक पत्ती में कुछ जगह हमने एक कागज लगा दिया था तो वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था तो वहाँ कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ। तो हरे रंग से जो नीला काला दिख रहा है ना, इससे पता चलता है कि यहाँ पर स्टार्च की उपस्थिति थी। स्टार्च का मतलब क्या है, शर्करा कार्बोहाइड्रेट निर्मित किया है पत्ती ने, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ये शर्करा निर्मित होती है। अब बच्चों हम देखते हैं ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में इसका जो रिएक्शन है, जो समीकरण है, अभिक्रिया है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल वाली पत्ती दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कुछ मात्रा में पानी भी बनता है बच्चों, पानी वेपोराइज्ड हो जाता है। तो यही ऑक्सीजन पौधे हमें प्रदान करते हैं। अब बच्चों इससे हमें पता चल गया कि जो हरे रंग की पत्तियां हैं, हरे रंग की पत्तियां तो प्रकाश संश्लेषण करती ही हैं, लेकिन कुछ अन्य रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं, लेकिन उनमें यदि क्लोरोफिल पिगमेंट है तो वो जो अन्य रंग की पत्तियां होती हैं वो हरे रंग के पर्णहरिम को ढक देती हैं। और कुछ पत्तियों में, इन पत्तियों में भी क्लोरोफिल पाए जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। लाल प्रकाश में तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया तेजी से होती है बच्चों। अब बच्चों हम पोषण की बात कर रहे हैं, सौपोषी पौधे की बात कर ली, अब हम बात करते हैं परजीवी पौधे। सारे पौधे अपना भोजन नहीं बनाते, कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए या किसी जीव के द्वारा बना बनाया भोजन खुद ग्रहण करते हैं। ये देखिए अमरबेल, ये अमरबेल जो है कसकुटा, ये पूर्ण परजीवी होता है, ये अपना भोजन निर्मित नहीं कर सकता, ये अपने भोजन को निर्मित करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। जानते हो किसी भी सजीव के ऊपर यदि आप अमरबेल के पौधे को डाल देंगे तो थोड़े दिन में आप देखेंगे कि वो पौधा तो यदि कमजोर होगा तो मरने लगता है और ये अमरबेल फली भांति फलने फूलने लगती है। तो ये क्या है, होस्ट पर लिपटा रहता है और इस अमरबेल में बहुत सारे हॉस्टोरिया पाए जाते हैं, चूषांक पाए जाते हैं। तो ये जो चूषांक होते हैं ये वो भोजन को खींच लेते हैं और इस प्रकार से ये पूर्ण परजीवी होता है। अब हम देखते हैं एक और परजीवी पौधा होता है भाकरा। ये बच्चों इसमें मिनरल्स खनिज लवण को तो ये अवशोषित कर लेता है, जमीन में से पानी को तो अवशोषित कर लेता है, किंतु ये अपना भोजन निर्मित नहीं कर पाता है। तो भाकरा जो होता है ये कैसा होता है, मिसल्टो कहा जाता है, जिसे मिसल्टो भी के नाम से जाना जाता है। तो ये अपना भोजन तो बनाते हैं
लेकिन पूरा नहीं बना पाते, तो इन्हें कहा जाता है आंशिक परजीवी, कि मतलब ये भोजन के लिए कुछ भोज्य पदार्थों पर, कच्चे पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, तो ये कहलाता है आंशिक परजीवी। अब बच्चों हम यहाँ पर एक और परजीवी की बात करते हैं, बंडा लोरेंथस। ये भोजन ये क्या करता है, ये पूरा का कुछ भोज्य पदार्थों को, ये भी आंशिक परजीवी है, कुछ पदार्थों को तो ये अपना निर्मित कर सकता है और कुछ के लिए ये पूरा पूरा भोजन निर्मित नहीं कर सकता, तो ये भी कुछ खनिज पदार्थों को के लिए इसको निर्भर रहना पड़ता है, जैसे मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, पानी है, तब ये क्या करता है होस्ट के ऊपर लिपट के उससे भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लेता है। अब बच्चों हमने स्वपोषी की बात की, परजीवी की बात की, आंशिक परजीवी की बात की, पूर्ण परजीवी की बात की, अब हम एक ऐसे पौधे की बात करते हैं जो मृतोपजीवी पौधा है। जानते हो आपने कवक का नाम सुना है, मशरूम, कुकुरमुत्ता, ये देखिए इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये अपना भोजन सड़े गले मृत पदार्थों से प्राप्त करता है। और अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो इसकी बहुत अच्छे से खेती की जाती है, हमारे बहुत सारे किसान भाई इसको उगा के अपना व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये पौष्टिकता से भरपूर होता है और ये अपना भोजन खुद निर्मित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पर्णहरी नहीं पाया जाता, तो ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, इसीलिए इसका नाम है मृतोपजीवी सेप्रोफिटिक प्लांट। अब बच्चों हमने देखी इतनी सारी बातें देखी, अब हम आपको बताते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ये देखिए ड्रोसेरा, ये अपने टेंटाकिल्स को निकालता है और ऊपर की तरफ आ जाता है और वहाँ से ये कीट को पकड़ लेता है और कीट के रस को सोख लेता है और फिर उसको बाहर निकाल देता है, इसे कहा जाता है कीट भक्षी। इसका एग्जाम्पल हम दूसरा और देखते हैं, कलश पादप। आपने पिचर प्लांट का नाम सुना है, देखिए कैसे कलश के आकार का बना हुआ है और ये ऊपर इसका ढक्कन है, तो जैसे ही कीट आता तो बहुत सुंदर दिखता है, चमकीला रंग का, एट्रैक्टिव, तो कीड़े मकोड़े, तितली, अन्य कीड़े आकर्षित होकर इसके पास आ जाते हैं और जैसे ही इसके पॉट के ऊपर बैठते हैं ढक्कन ढक जाता है और उसके रस को पूरा निकाल लेते हैं। और ये कीटों का भक्षण करने वाला पौधा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इंसेक्टिवोरस प्लांट। और बच्चों जहाँ ये होता है वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं एक और नए प्रकार का पौधा, सहजीवी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो अपने साथी के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं कि तुम मुझे कुछ दो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो ये देखिए आपने सबने चना बूट खाया है, तो ये जो द्विबीजपत्री होते हैं ना, मटर, चना, दाल वाली फसलें, इनकी जड़ों में कौन सी जड़ होती है, मूसला जड़ होती है। तो मूसला जड़ में आप देखना ये जो फूली फूली नोड्यूलेटेड ग्लैंड दिख रही है ना, ग्रंथि, ये ग्रंथि में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया तो जब ये क्या करता है, जब ये फसल कट जाती है तो वो बैक्टीरिया मिट्टी में चला जाता है और जब किसान भाई एक बीजपत्री फसल को लगाता है तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है और जटिल नाइट्रेट से सरल नाइट्रेट में बदल देता है, तो उससे मिट्टी का उपजाऊपन बन जाता है और जब नई फसल होती है तो उसके लिए वो लाभदायक। तो इस प्रकार से ये क्या कैसे भोजन लेते हैं, सहजीवी जीवाणु, ये मतलब एक दूसरे की मदद करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। अब बच्चों ये हमने देखा विभिन्न प्रकार का पोषण, अब हम देखते हैं ग्रह कार्य की बारी। चलिए आप लोग कापी पेन उठा लीजिए और लिखिए। प्रश्न नंबर पहला, स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर दो, कुकुरमुत्ता कैसे भोजन करता है या कुकुरमुत्ता कैसे भोजन लेता है। तीसरा,
परजीवी पौधा कौन से हैं, परजीवी से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 4, सहजीवी को उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न नंबर 5, कलश पादप कैसे भोजन लेता है, चित्र सहित बताइए। प्रश्न नंबर 6, बीज बोने के पूर्व मिट्टी का परीक्षण क्यों करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज हमने देखा सजीवों में पोषण, इसका आज हमने एक भाग देख लिया। अब बच्चों, सजीवों में पोषण का दूसरे भाग के साथ मैं आपसे नेक्स्ट कक्षा में मिलती हूँ। धन्यवाद बच्चों।